नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों आज तारीख है 12 दिसंबर 2019 और यहां पर हम लोग बैंकिंग स्टॉक्स के एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कौन सा बैंकिंग स्टॉक किस लेवल पे खड़ा है, कहां सपोर्ट ले रहा है, कहां रेजिस्टेंस ले रहा है, और आगे हमारा उसमें क्या दोस्तों पोजिशन बन सकता है। दोस्तों अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस। सबसे पहला है उसमें एक्सिस बैंक का चार्ट है। ये 200 DMA को चार्ट हम लोगों ने प्लॉट कर लिया है एक्सिस बैंक का। और एक्सिस बैंक जैसा कि मैंने कहा था कि 700 के ऊपर पॉजिटिव है। 700 के ऊपर जब तक है स्टॉक्स में पॉजिटिव बना हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 700 को ब्रेक करेगा नीचे तो फिर ये थोड़ा कष्ट में आएगा, जो फिर 680 तक लेके आ सकता है। 700 के बाद जो ये पॉजिटिव होता है वो 720 के ऊपर पॉजिटिव होता है। तो इसके दो रेंज होते हैं, तो नया पोजिशन। लेकिन अगर हमें बाय का बनाना होगा तो 750 के ऊपर ही बनाएंगे एक्सिस बैंक को, उसके पहले हम लोग बिल्कुल नहीं बनाएंगे। अगर हमको लॉन्ग टर्म के लिए बनाना है, लंबे समय के लिए बनाना है, रिसेंटली अगर नज़दीक के लिए बनाना है तो फिर हमें 730 को एक बार ब्रेक करेगा एक्सिस बैंक ऊपर की साइड में, तो बाय पोजीशन बनाएंगे 750 के टारगेट के लिए। नीचे अगर ये 700 को ब्रेक करता है तो फिर 680 के टारगेट के लिए सेल पोजीशन बनेगा। अगला स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ से इतनी गिरावट के बाद आज सिर्फ शॉर्ट कवरिंग हुआ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं शॉर्ट को कवर किया गया है। चूंकि एक्सपायरी का डे था इसके वजह से यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुआ है, तो इस शॉर्ट कवरिंग की वजह से इसको फाइनल हम लोग नहीं समझेंगे कि इसमें मोमेंट आ रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, अभी फिलहाल स्टॉक्स वीक है, स्ट्रक्चर भी इसका वीक है, तो एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर ये बना हुआ है तब तो ठीक है, यानी 94 के ऊपर अगर ये रहता है स्टॉक तो ठीक है। 94 को ब्रेक करेगा तो 90 तक का एक लेवल दे सकता है आपको बैंक ऑफ बड़ौदा। अगर ये आज के हाई के ऊपर कल निकलता है तो एक 100 के टारगेट के लिए, 102 के टारगेट के लिए पोजिशन बनाया जा सकता है। उसी कंडीशन में दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया 70 के ऊपर निकलेगा तो 73 तक एक टारगेट आपको दे सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके पहले बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये ब्रेक कर देता है 66 को नीचे की साइड में बैंक ऑफ इंडिया, तो फिर ये वापस 60 वाले रेंज में पहुंच जाएगा। केनरा बैंक अभी पोजिशन नहीं बना सकते हम लोग, पोजिशन बनाने का जगह बिल्कुल इसमें नहीं है कहीं भी हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि ये अगर 210 के ऊपर रहता है तब तो पॉजिटिव है, जैसा कि कल भी परसों भी मैंने बताया था, और इसमें कल भी कि 210 के ऊपर रहता है तो ये पॉजिटिव रहेगा। 210 के नीचे निकलता है, अगर 200 से इसका जो रेंज बनता है वो 210 से नीचे का रेंज बनता है सेल के लिए। 210 के नीचे अगर ब्रेक करता है तो 205 का एक लेवल आएगा, और 205 को अगर ये ब्रेक कर देगा तो फिर ये 190 वाले रेंज में फिर वो ज़्यादा नीचे डाउन साइड का मूवमेंट दिखा सकता है। 232-33 के ऊपर अगर पोजिशन हम लोग बनाए तो ज़्यादा सेफ रहता है 240 और 45 के टारगेट के लिए। फेडरल बैंक, इसका पोजीशन मेरा व्यू जो है 92 के ऊपर ही है दोस्तों, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं है। 92 के ऊपर निकलेगा तो स्टॉक्स में एक मूवमेंट आएगा जो इसको 100 तक लेके जा सकता है फेडरल बैंक को। HDFC बैंक 1240 इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, वहीं से इसने देखिए मैंने कहा था कि टाइम ये बिताएगा, होल्ड करेगा, होल्ड करके वहीं से वो वापस बाउंस बैक कर रहा है। एक रेजिस्टेंस है इसके पास 1260 से 1265 के, जिसको कि आज इसने ब्रेक कर दिया। अब इम्पॉर्टेंट है कि ये आज के हाई के ऊपर कल ट्रेड करे। अगर ये आज के हाई के ऊपर यानी 1270 के ऊपर ब्रेक करता है तब तो फिर हम 1300 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं HDFC बैंक में। वापस अगर ये 1260 को नीचे की तरफ ब्रेक कर गया तो ये वापस 1240 वाले जोन में पहुंच जाएगा। ICICI बैंक बहुत ही अच्छे मूवमेंट में चलता है, 52 वीक हाई, लेकिन अब जो कैंडल है ना थोड़ा सा डोजी जैसी कैंडल है, तो इसको अभी हम लोग बाय साइड अब ज़्यादा नहीं देख पाएंगे। हाँ, बाय तरफ में ये तब जाएगा जब ये 540 को अगर ये ऊपर की साइड में ब्रेक कर दे तो फिर ये बाय का जोन में चला जाएगा ICICI बैंक। तो बाय के जोन के लिए 540 को ब्रेक करने देते हैं। सेल अगर ये ब्रेक कर देता है कल 530 को ब्रेक कर देगा, 529 को ब्रेक कर देगा, तो ये नीचे के सेल के लेवल आपको दिखा सकता है 520 रुपये तक का इंट्राडे में। IDFC फर्स्ट बैंक कोई पोजीशन नहीं, पोजीशन जब भी बनेगा 45 के ऊपर बनेगा। अगर ऐड करना होगा दोस्तों यहाँ बता दूँ, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं होती है, ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लें। तो यहाँ पे कोई भी नया पोजीशन अगर ऐड करना होगा पोजीशन तो 36 से 37 का एक अच्छा लेवल होता है, वहाँ पे आएगा तो ऐड किया जा सकता है। नया पोजीशन 45 के ऊपर बनेगा HDFC फर्स्ट बैंक में। इंडियन बैंक अभी कोई भी पोजीशन बनने के इसमें जगह नहीं है, बिल्कुल इसको अवॉइड करके चलेंगे हम लोग इंडियन बैंक में।
इंडसइंड बैंक का जैसा कि आपको मैंने बताया हुआ कि 1350 के ऊपर निकलेगा 1450, 1450 के ऊपर निकलेगा तो 1550, उसी तरह से ऊपर 1550 के नीचे निकलेगा तो 1450। तो देखिए इसने 1550 के बाद 1450 का रेंज कंप्लीट कर दिया। आप 1450 के नीचे अभी फिलहाल ट्रेड है तो स्ट्रक्चर तो थोड़ा सा वीक है। पॉजिटिव ये तभी हो सकता है जब ये वापस 1500 के ऊपर क्लोज करेगा, तो एक पॉजिटिव सेगमेंट में ये जा सकता है। अदरवाइज ये यहाँ पे हो सकता है आपको थोड़ा सा टाइम बिताते हुए दिखे ये स्टॉक 1400 के आसपास। अगर ये 1400 को ब्रेक करता है तो 1350 का लेवल दिखाई देगा सेल साइड में। कोटक बैंक, इसने मेरे सारे टारगेट अचीव कर दिए दोस्तों। मैंने पोजिशनल स्टॉक दिया हुआ था, उस पर वीडियो बना के अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर उसको देखिए। इसने सारे टारगेट अचीव कर दिए हैं पोजिशनल स्टॉक्स का, मैंने वो वीडियो पोस्ट किया था, कल लिंक भी डाला था अपने टेलीग्राम चैनल पे कि आप इस वीडियो को देखिए, मैंने वहाँ पे डाला हुआ था। अभी स्टॉक्स में अब देखिए नया पोजिशन एकदम हायर हाई बनाया, वो ऊपर गया, काफी अच्छा जबरदस्त मूवमेंट दिया स्टॉक्स ने। अभी अब यहाँ पे थोड़ा सा सबसे बड़ी बात है कि इसको आज वॉल्यूम भी बहुत अच्छा जनरेट हुआ है ना, तो अब हो सकता है यहाँ पे स्टॉक थोड़ा सा सस्टेन करे, अपने आप को एक से दो दिन बिताए यहाँ पर। तो अगर नया पोजिशन हमें बनाना होगा तो हमें पोजीशन बनाना होगा कम से कम 1720-22 के ऊपर। अगर एड करने की बात है तो अगर अपने आप को होल्ड करेगा या 1690 के आसपास में तो पोजीशन एड किया जा सकता है। हाँ, लेकिन अगर क्लोज कर देगा 1690 के नीचे क्लोज कर देता है, सॉरी 1680 के नीचे अगर क्लोज करता है, ये फिर वीक हो जाएगा, फिर वहां पर रुकने का कोई फायदा नहीं है कोटक बैंक में। ओबीसी यानी कि ओरियंट बैंक ऑफ कॉमर्स दूर रहेंगे अभी, ओरियंट बैंक ऑफ कॉमर्स में स्ट्रक्चर सही नहीं है, बिल्कुल अभी दूर रहना है। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिए, मैं वहाँ लाइव में भी कुछ कॉल प्रोवाइड करता हूँ। और दूसरी बात कि अगर अभी तक आप लोगों ने ट्रेडिंग व्यू वाला वो इंडिकेटर जो मैंने बताया हुआ है, दो इंडिकेटर स्क्वीज मोमेंटम और स्विंग लो स्विंग हाई नहीं देखा है तो उसके वीडियो को भी देखिए, मेरे प्ले लिस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज वाली प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। उस पर मैं कंटिन्यू आपको ट्रेड करके लाइव दिखा रहा हूँ जैसा कि आप वीडियो देख पा रहे हैं। पीएनबी दोस्तों, पीएनबी में एक सपोर्ट है, अगर स्टॉप लॉस लगाना है आप लोग वो तो 56 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करिए, और नया पोजीशन अभी क्रिएट नहीं करेंगे जब तक इसका एक बड़ा रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हो जाए, आप थोड़ा इसको पीछे करेंगे, लेकिन जबरदस्त यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, उसी रेजिस्टेंस को जब तक दोबारा से ब्रेक करने की कोशिश किया नहीं कर पाया, फिर ब्रेक किया नहीं कर पाया, तो अब जब तक इसके ऊपर नहीं निकले यानी 70 के ऊपर कोई नया पोजीशन नहीं क्रिएट करेंगे स्टॉप लॉस, लेकिन 56 का मेंटेन कर सकता है। आरबीएल बैंक से मेरी सलाह है, मेरा अपना मानना है, मेरा अपना व्यू है, मैं शुरू से इस पे बोलता आया हूँ कि मेरा इस पे से दूर रहने का नजरिया, मैं बिल्कुल इस पे कोई दिमाग नहीं लगाता आरबीएल बैंक, मैं सिर्फ एनालिसिस इसलिए कर लेता हूँ कि कुछ भाई लोग मेरे पोजिशन अगर बनाए हुए तो कृपया कर अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके जरूर चलें। उसके लिए स्टॉप लॉस अगर अभी रिसेंटली अगर किन लोगों ने पोजिशन बनाया तो 300 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, वो आपके लिए बहुत जरूरी है आरबीएल बैंक में। एसबीआई जबरदस्त 200 डीएमए के पास से ही सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया, जैसा कि कहा था इसको बाउंस बैक लेने के लिए बिल्कुल सही जगह है, अगर यहाँ से बाउंस बैक किया तो अच्छी बात है, अदरवाइज ये कमजोर हो सकता है। तो बाउंस बैक किया है यहाँ पर, यानी कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है 300 से लेकर 305 तक का आ रहा है, वहीं पर से ये बाउंस बैक कर रहा है। नया पोजीशन दोस्तों 325 के ऊपर बनाएंगे, अभी बिल्कुल भी नहीं बनाएगा, हालांकि इसने ब्रेकआउट दिया है लेकिन चूंकि आज एक्सपायरी था इसके वजह से ये कवरिंग शॉर्ट कवरिंग हुआ है, उसकी वजह से अगर हमें फाइनल देखना है तो 325 को अगर ये ब्रेक करके क्लोज करता है तो पोजीशन बनाने का जगह बनेगा एसबीआई में, अदरवाइज इस पर अभी वॉच करके नजर बना के रख सकते हैं। यस बैंक नो ट्रेडिंग जोन, एकदम से दूर रहने का नजरिया है मेरा। और अगला है लास्ट यूनियन बैंक, तो यूनियन बैंक दोस्तों जबरदस्त तरीके से अभी ठीक है, यूनियन बैंक को दिक्कत वाली बात नहीं, अगर आपने लंबे समय का नजरिया अपना रखा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और लंबे समय का जो इसका स्टॉप लॉस बनेगा नीचे की साइड में वो 50 के आसपास का बनेगा, आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं। अगर ये 60 और 61 के ऊपर अगर ये ट्रेड करता हुआ आपको मिलता तो ये एक अच्छा मूवमेंट आपको दे के जाएगा। यहाँ पे बस दिक्कत क्या हो रहा है कि ये ब्रेक तो करता है अच्छे वॉल्यूम के साथ उसी प्राइस को ब्रेक करता है, पर यहाँ सस्टेन नहीं कर पा रहा है, हमें यहाँ पे प्राइस सस्टेन चाहिए, प्राइस सस्टेन चाहिए 2 से 3 दिन कंटिन्यू। ये एक ही दिन ब्रेक करता है लेकिन उसके बाद कंटिन्यू डाउनफॉल होने लग जाता है, सस्टेन जिस दिन ये कर गया तो फिर इसका ट्रेंड चेंज हो जाएगा, फिर ये अप ट्रेंड में चला जाएगा यूनियन बैंक में। तो यूनियन बैंक अगर 60-61 के ऊपर मिलता है तो एक पोजिशन बनाया जा सकता है 65 और 70 के टारगेट के लिए। नीचे अगर ये ब्रेक करेगा 52 को तो फिर ये नीचे 49 के लेवल पे आपको यूनियन बैंक दिखा सकता है। तो दोस्तों ये था बैंकिंग स्टॉक्स पे मेरा व्यू, अगर पसंद आता है वीडियो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।